नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम चौधरी। दोस्तों, मैं आपसे आपको बताने वाला हूँ उबंटू में रिमोट डेस्कटॉप या शेयर स्क्रीन कैसे इनेबल करते हैं। तो गाइज, आप वर्चुअल बॉक्स देख रहे हो, मेरा उबंटू वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये मैंने अपना, ये उबंटू है, ये उबंटू। तो सबसे पहले आपको उबंटू इंस्टॉल करना है, अपडेट अपडेट सब करना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको नेटवर्क IP4 पे आपको स्टैटिक IP सेट करना है, जैसे मैंने किया है। ये होने के बाद अप्लाई करना है। फिर आपको सेकंड ऑप्शन जाना है, शेयर स्क्रीन पे जाना है। रिमोट डेस्कटॉप ऑफ रहता है, इसको इनेबल करना है। और यहाँ पे आपको डालना है रिमोट डेस्कटॉप, ये इनेबल। डिवाइस नेम आप चेंज कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद वेरीफाई इनक्रिप्ट करना है और फिर क्लोज करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आप मशीन, उबंटू मशीन को एक बार रिबूट करोगे, सिस्टम में जाके रिस्टार्ट करोगे। रिस्टार्ट करने के बाद आपको एक सेटिंग और करना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने का है, पावर ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक में कभी भी नेवर पे नहीं करना। आप इधर करोगे तो जब स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो आपका ये कनेक्ट नहीं होगा रिमोट डेस्कटॉप। ये कनेक्ट होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि स्क्रीन लॉक हो गया तो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही बताऊँगा कि इसको नेवर करना है, फिर बंद करना है। फिर आप विंडोज़ के डेस्कटॉप में जाना है, जिससे मैं विंडोज़ के डेस्कटॉप में आता हूँ। MST टाइप किया, यहाँ पर मशीन का IP है, जैसे आपने कुछ सेट किया IP है तो भी, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि मैंने ये IP सेट किया 187, तो मेरा जो IP है वो मैं 187 कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे यूज़र नेम में आपको डालना है, जो यहाँ पे यूज़र नेम आप शेयर स्क्रीन में डाले थे, मेरा यूज़र नेम डालता हूँ। पासवर्ड सेट जो किया था वो डालता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये गाइज आपको दिख रहा है कि मैंने स्क्रीन रिमोट कनेक्शन ले लिया, शेयर स्क्रीन ले लिया, आप दोनों देख सकते हो। विंडोज़ की तरह भी इसमें होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगा कि लॉक हो गया तो अनलॉक कैसे करते रिमोट लेते। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो ये यहाँ पर सेम टू सेम स्क्रीन शेयर हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, जैसे अपने एनएलएक्स या टीमवर बोलते वैसा सेम, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, उबंटू के सॉफ्टवेयर से। तो कहा जाए, आप देख सकते हो कि मैंने ये उबंटू का रिमोट लिया हुआ है और मैं इधर काम कर रहा हूँ, वो इधर दिख रहा है। तो ऐसे ही आप शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलिए एक फोल्डर बनाता हूँ, होम में गया, देखो इधर भी क्लिक हो रहा है, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 123 बनाया, पे क्रिएट किया, हो गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको लॉक करके दिखाता हूँ। जैसे आपको लॉक करके दिखाता हूँ, मैं लॉक करता हूँ स्क्रीन। देखिए स्क्रीन लॉक हो गया, रिमोट डिसकनेक्ट हो गया। तो अभी आप कनेक्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एक प्लगइन होता है, वो अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है। अनलॉक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं प्लगइन कौन सा होता है, इंस्टॉल करना होता है और फिर कैसे कनेक्ट होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे को